वेलकम टेक वेटर गुरु, मैं आपका विकास, आप मैं चैनल फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखो, आज का जो हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके जनवरी में प्रैक्टिकल के एग्जाम लगे हुए हैं 28-29 को, उसके आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल अवेलेबल है, उसको देख लें, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और आपके लिए 50 क्वेश्चन फॉर ओ लेवल प्रैक्टिकल वाइवा में जो आपके पूछे जाते हैं, 20 नंबर का जो आपका वाइवा होता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हो सकता है उसके भी यहाँ पे आपको फेल कर दिया जाए। तो परफॉर्मेंस आपको हर हर सिचुएशन में अच्छी देनी है। तो कुछ वाइवा के क्वेश्चन आपको बताते हैं आज। तो इससे पहले दो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं, एनएलटी डुएक ओ लेवल 2018 वाइवा क्वेश्चन पेपर। तो ये पिछले पिछले आपके ईयर की है, जो कि आपके जनवरी और आपके जुलाई में जो एग्जाम होते हैं 2018 में, उनके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर और वाइवा की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इसको देख लें, इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। और आज जो हम वाइवा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ तैयार कर दी है, जो कि मिक्सअप है, आपके 50 क्वेश्चन है सी लैंग्वेज के और आपके आईटी टूल्स एंड मल्टीमीडिया के। तो इन आपके इन्हीं मॉड्यूल से ही आपके वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कुछ अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको 1 से 2 लाइन में देने हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, करीब 50 क्वेश्चन का सेट है मेरे पास पूरा। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाल देंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप एक बार देख लेंगे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पीडीएफ नंबर 1 मेरे पास अवेलेबल है, तो ओ लेवल प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको दिखाते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर एक एक लाइन शॉर्ट में दिए गए हैं, और कुछ लॉन्ग भी हैं, कुछ बड़े बड़े आंसर भी हैं। तो उतना लॉन्ग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसकी आप देख लें, एक लाइन में पूरी पीडीएफ तैयार कर दी गई है। तो इस पीडीएफ को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पुटअप किए गए हैं आपके इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन वाई, मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसे आपको उत्तर देना है हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, या इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में ज़्यादातर बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आप 1 से 2 लाइन में आंसर, एक लाइन में मुश्किल से 2 लाइन में खत्म कर दें आंसर, पूरी हिस्ट्री नहीं आपको बतानी है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर सर्किट यूज इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर, एंड ए कंप्यूटर इज एक्यूएट एंड कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो एक लाइन में आपका आंसर इस प्रकार से आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेंशन द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन। तो मेन कंप्यूटर फंक्शन और इसमें आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताना, तो कोई भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स आपके बारे में आप बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गई, तो वो आपको इतना ही आपको बता देना है, मेन फंक्शन आपका क्या होता है और क्या आपकी कंपोनेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कनेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज टू कनेक्ट द यूजर विद द हार्डवेयर, एंड इट हैज द सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सीपीयू मेन मेमोरी कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं करती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इन सब डिवाइसों को आपका यूज़ करना है। तो इसे आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको आप देख लें, एक लाइन का है, एक एक लाइन का आंसर है। व्हाट इज एल्गोरिथम क्या होता है, तो एन एल्गोरिथम रिफर टू द स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उसी प्रकार से व्हाट इज फ्लो चार्ट क्या है आपका, तो ये फ्लो चार्ट इसे डायग्रामेटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, इट यूजेस वेरियस सिंबल टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो इस प्रकार से है, नेम ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज, कोई भी डेटा टाइप्स के सी लैंग्वेज के बताना है, इंटीजर लॉन्ग फ्लॉट, इस प्रकार से उनकी वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है 5 डेटा टाइप्स का नाम बताइए, 10 डेटा टाइप्स का नाम बताइए, इस प्रकार से। उसके बाद डिस्क्राइब लिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट आपसे पूछ जा सकते हैं, स्पेसिफाई, और प्रिंट एफ फंक्शन हो गया आपका, स्कैन एफ फंक्शन हो गया, हेडर फाइल हो गई, और उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं आपके सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, उससे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, डिफाइन द एक्सप्लेन आपको स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन, तो यहाँ पर सारी चीज़ दी हुई है एक्सप्लेन वाइज, इसको एक बार जरूर देख लें। अभी आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ उसमें, और अभी आपको दोनों पीडीएफ पूरे दिखा देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं, बाकी वो जो दो वीडियो बनाई गई थी उनको देख लें, उसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और आपको एक्सेस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि पिछले साल पूछे गए थे। तो उसकी वीडियो आपको एक नेक्स्ट डे मिल जाएगी, आपको उसमें एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आपका प्री प्रोसेसर क्या होता है,
वेरिएबल स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसको एक बार देख लें, इसको लिंक आपको दे देंगे अभी। डिफाइन रिवर्स वर्ड, तो इतना डिटेल में जाए, जो अच्छे क्वेश्चन जैसे व्हाट इज आइडेंटिफायर, छोटे छोटे क्वेश्चन उनको देख लें। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लें। ऑपरेटर इन सी, कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, बहुत छोटे टाइप के क्वेश्चन। या आपने जो प्रोग्राम को आपको मिला होगा पेपर के समय, वो उससे आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एचटीएमएल का क्वेश्चन हो गया आपका, टैग टैग के क्वेश्चन होगा, लिंक ऐड करना, कुछ भी चीज़ का मतलब आपसे क्वेश्चन वाई वाई पुटअप किया जा सकता है, जो आप पेपर को मिला उसमें से, या उनके मन में जो चल रहा होगा, या आप एग्जाम दे के आएंगे, या आपसे कुछ भी। आप पेपर मॉड्यूल के नाम पूछ सकते हैं कि आपके ओ लेवल में कितने मॉड्यूल के नाम हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारे मॉड्यूल के नाम पता होना चाहिए, मॉड्यूल आपका नंबर M1 M2, इस तरह से सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वाइवा का सब अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद व्हाट इज लूप, आपके कितने प्रकार के हो गए, तो फॉर लूप, डू व्हाइल, और इस प्रकार के थ्री टाइप्स के हो गए, आपको ये बता देना सिंपल सा। व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करना, तो व्हाइल लूप हैज वन कंट्रोल एक्सप्रेशन एंड एक्सिक्यूट एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज टू, दिस जनरल सिंटैक्स इज लूप। तो सिंटैक्स आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन। फॉर लूप, तो फॉर लूप को एक्सप्लेन कर देंगे इस प्रकार से। व्हाट डू यू मीन नेटवर्क, आपका क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क रिफर टू कनेक्ट कंप्यूटर टू शेयर डेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, इतना आपको सिर्फ बताना है। लिस्ट ऑफ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट सी, तो कौन सा आपका है, तो ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू एंड एग्जिट फंक्शन। व्हाट इज एन एरे, आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके सी लैंग्वेज का जो एग्जाम आप देने जाते हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल होंगे, तो सी लैंग्वेज की तैयारी भी आप इस एग्जाम से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है शॉर्ट में, तो इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। एन एरे इज कलेक्शन ऑफ वैल्यू टू ऑफ द सेम डेटा टाइप्स, वैल्यू इन एरे आर एसिजेड यूजिंग एरे नेम विथ सबस्क्रिप्ट इन ब्रैकेट, तो इस प्रकार से आपको बता देना है। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, आपका क्या है, डिफाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। एन 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 एरे ऑफ करेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, एन एरे आपका जो है ऐसे करेक्टर इन ऐसे नोन नोन एज स्ट्रिंग जाना जाता है, आपका जो एरे है वो ऐसे करेक्टर नोन ऐसे स्ट्रिंग जाना जाता है, फॉर एग्जाम्पल करेक्टर एट, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। मेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडल कौन से, STR कॉपी, TR कॉपी, STR कैट, मस्टर, CMP, इस प्रकार से स्ट्रिंग कॉपी इस प्रकार से होता है, लेंथ कंपेयर, इस प्रकार से बता देना आपको। डी बगिंग क्या होता है, तो डी बगिंग ज़्यादा लंबा ना इसमें एक्सप्लेन करें, एक लाइन इसमें से कोई देख लें और वही आप बता दें, बस बेसिकली सिंपल सा बता दें। आपको आपको एरर डिटेक्ट करने में काम करता है, या इस प्रकार से बग आपको करता है प्रोग्राम को। डिफाइन दी एक्सप्लेन अबाउट ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में, तो पूरा ना क्वेश्चन आप देख लें, एक एक दो लाइन आपको जो उसमें सही लगे उसको आप फिर अपने माइंड में एक बार देख लें और फिर वहाँ पर जाके रिप्लाई कर दें अगर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं तो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है STR का, STR कैट और STR CMP आपके स्ट्रिंग जो दो ठो उसका क्या वर्क है, वही आपको यहाँ पर दिया गया है। फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन इसे मॉड्यूल और ब्लैक और ब्लॉक और प्रोग्राम कोड विच डील विद ए पार्टिकुलर टास्क। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता, व्हाट इज रिकर्सन इंपॉर्टेंट है। मेंशन ए टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया आपका, पीयर टू पीयर, व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज एन ऑपरेंड एंड ऑपरेंड्स की बात कर लें, व्हाट इज रैम इंपॉर्टेंट है, रैम रोम आपका इंपॉर्टेंट है, तो रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, मीडियम विच स्टोर एंड, कितने प्रकार की आपकी रोम होती है, कितने प्रकार की रैम होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, तो इससे बेसिक स्तर के जो आपके क्वेश्चन है वो आपके बेसिकली आपके पुटअप किए जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको भी जरूर देख लें, उससे भी आपसे क्वेश्चन जो आपने किया है क्वेश्चन पेपर में वो भी आपसे पूछा जा सकता है, या आपने जो प्रैक्टिकल किया उसका आउटपुट क्या निकला है वो भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल वाइवा का मतलब है आपसे कुछ भी, इंटरव्यू एक तरह से कह सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स, स्टेटमेंट, पैरेलल कंपोनेंट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगभग मिल जाएंगी। तो ये 50 क्वेश्चन है करीब यहाँ पे, तो यहाँ बाद में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो ये 50 क्वेश्चन की पूरी PDF है, बहुत ही अच्छी PDF है, जो कि आपकी सी लैंग्वेज, इंटरनेट और कुछ IT टूल्स के क्वेश्चन को कवर करती है। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी आपको मिल जाएगा 24 आवर में, अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, पब्लिश कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके और मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, उसको अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते का आप इसको देखते रहेंगे तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, बाकी बुक तो आप पढ़ ही चुके होंगे, पेपर में आपको क्वेश्चन पता ही होंगे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको भी एक बार देख लें तो आपको हो सकता है और अच्छा नॉलेज हो जाए, इंटरव्यू को फेस करने का और अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा।
तो ये थे आपके पीडीएफ नंबर वन। नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। पीडीएफ नंबर सेकंड जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आपके मल्टीमीडिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं और आपके आईटी टूल से, तो आप देख सकते हैं ओ लेवल प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर्स की है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैन कन्वर्जन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं, लेकिन आंसर इसमें दिए हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेज, कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेज, रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो, व्हाट इज रेस्ट्रिजेशन दी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। डिफाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड रैपिडली ग्रोइंग कंप्यूटर फील्ड, इतना आपको से बताना है। नेम एनी फोर इनपुट डिवाइस, नेम एनी फोर आउटपुट डिवाइस, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताया, तो कीबोर्ड, माउस, इमेज, इमेज स्कैनर एंड ट्रैक बॉल। राइट डी टू टेक्निक फॉर प्रोडक्सिंग कलर डिस्प्ले विद ए कार्ड, तो बीम प्रेजेंटेशन मेथड एंड शेडो मास्क मेथड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डिटेल में चले गए हैं क्वेश्चन इसमें, लेकिन ये आपके एग्जाम में हेल्प होंगे, लेकिन ये शॉर्ट है काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट नोट। वीडियो कंट्रोलर आपका क्या है, वीडियो कंट्रोलर व्हाट इज बिट मैप इमेज फाइल जितनी आपकी हैं वो उसके बारे में, व्हाट इज रिजोल्यूशन क्या है आपका, डॉट पर इंच क्या, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सारे क्वेश्चन बोलता भी जा रहा हूँ जो इसमें नहीं भी दिए हैं, तो वीडियो को आप सुने आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियो से। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखें सारे क्वेश्चन लगभग अवेलेबल हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से। ये डिफाइन पिक्सल हो गया, फ्रेम बफर हो गया, आपका ट्विनिंग हो गया, डिफाइन सर्कल, ये काफ़ी डिटेल में चले गए हैं, कभी कभार उनके मूड के ऊपर होता है, जिस प्रकार से व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज एंट एलाइसिंग, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसएक्शन आपका क्या होगा, व्हाट इज रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, जितने भी आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, तो ये जो बड़े बड़े हैं उनको ना देखें, जो इनमें शॉर्ट करके एक दो लाइन का आंसर आप उसमें तैयार कर लें। ये इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द हार्डवेयर डिवाइस फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए, इनपुट डिवाइसेस ये हो गई, आउटपुट डिवाइसेस ये हो गए, सारा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रिंटर हो गए आपके कितने कितने डीपी पे, कितने पेजेस पर मिनट, तो ये इंकजेट प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर हो गया, आपका डिफाइन रैंडम एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो ये थे बेसिकली 33 क्वेश्चन है इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख ले। तो दोनों पीडीएफ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस करें। और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अभी आपको कंटिन्यू, जब तक आपके प्रैक्टिकल नहीं होते उससे पहले आपको डेली वीडियो इस प्रकार की मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।